अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, प्रॉफिट्स में ही ट्रेडिंग कर रहे होंगे। वेलकम इन आवर पार्ट 6 ऑफ द बूम एंड क्रैश कोर्स। एंड आपको पता है कि हम जो हैं वो बूम एंड क्रैश को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और बूम एंड क्रैश को हम जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा लेके चल रहे हैं, ठीक है, हमारे टॉपिक्स को। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है पार्ट 5 जो है वो किस लिए बनाया गया है, और आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताने के लिए कि देखें इसके बारे में थोड़ी सी इसकी साइकोलॉजी बूम एंड क्रैश की, ठीक है। बूम एंड क्रैश में आप जितने भी पेयर्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है आप लोगों के सामने जिसको आप देख रहे हैं, तो एक चीज़ थोड़ा सा अपने जहन में रखा करें कि सबसे पहले जो मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, आप लोगों को ये मैंने बताई थी कि द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी इज़ द ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। कि अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी के ऊपर फॉलो कर लेते हो, अगर आप इसको जान लेते हो, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारे एविडेंस मिल जाते हैं। लाइक आप जब बूम में बाय को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और आप जब क्रैश में सेल को करोगे तो तब हम दूसरा मेथड देख लेंगे। तो बूम एंड क्रैश के अंदर या फॉरेक्स है या वट एवर, द बेस्ट वन स्ट्रेटजी एवर आई वॉज यूज, ठीक है, जो मैंने सबसे ज़्यादा आज तक यूज़ किया, द ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। चाहे आपको डाइवर्जेंस मिल रही है, चाहे आपको डाइवर्जेंस नहीं मिल रही, चाहे आपको कोई लाइक सपोज यू कैन से कि अगर आपको डाइवर्जेंस नहीं मिल रही है, आपको कोई ऐसी चीज़ जो नहीं मतलब स्पॉट हो रही, वट एवर, ठीक है, कोई भी प्राइस एक्शन नहीं मिल रही या कोई एविडेंस नहीं मिल रहा या वट एवर, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रही, बट द ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी इज ओनली द वन स्ट्रेटजी दैट हेल्प्स यू टू मेक मनी, ठीक है। कि अगर आप लोग बूम एंड क्रैश में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, वट एवर, जहाँ भी मार्केट कोई भी हो, अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो अप कर लेते हो, अगर आप लोग इसके ऊपर काम करते हो, तो आपको ये प्रॉफिट देगी, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने इसको आपको समझाया था कि जब आप लोग ब्रेकआउट को स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो मार्केट क्या करती है, जब हमारे पास 3 ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, बाय, सेल एंड साइडवेज, मार्केट इस तरीके से जाती है, ठीक है, इस तरीके से आपको पता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट एक बाय ट्रेंड में होती है तो इस तरीके से फॉलो कर रही होती है, ठीक है, हायर हाईज एंड हायर लोज बनाकर। ये चलो मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बता दिया, दोबारा बताता हूँ, जब बाय ट्रेंड में होती है तो मार्केट इस तरीके से जाती है, हायर हाईज बनाया उसने, ठीक है, एंड देन हायर लो बनाया, ठीक है, और उसके बाद देन मार्केट ने हायर हाई बनाया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने हायर लो बनाया इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक बाय का स्ट्रक्चर है, इसको हम देख लेते हैं आज के, ये स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि स्ट्रक्चर किस तरीके से मार्केट फॉलो करती है और किस तरीके से हमने इसमें से बेनिफिट उठाना है और अपना प्रॉफिट गेन करना है, ठीक है, चाहे कोई भी मार्केट हो हमारे पास, बूम एंड क्रैश, फॉरेक्स, वट एवर, ठीक है। तो जब हम इस चीज़ को देख रहे हैं अपना एक बूम एंड क्रैश को, तो हमारे पास ये बाय ट्रेंड है, और आपको पता है कि बाय ट्रेंड में मार्केट किस तरीके से वर्क करती है जी, मार्केट आपकी हायर हाइज एंड हायर लोज बनाती हुई एक जाती है बाय, और इस तरीके से आप लोगों की मार्केट जो वर्क करती है। अब आप लोगों के पास, आपको पता है कि एक ये स्ट्रेटजी जो है, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि अगर आप लोग इसको बाय ट्रेंड में फॉलो कर लेते हो ना बूम के ऊपर, एंड आप मार्केट को इस तरीके से किल करोगे कि मार्केट तौबा करेगी कि इतने डॉलर्स आप लोग उठा रहे हो विद हैवी लॉट साइज, इवन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी। कैसे? सबसे पहले जो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी पे आपको एविडेंस मिलता है, डेट इज़ द ऑफ द ट्रेंड लाइन, ठीक है, आपको भाई ट्रेंड लाइन का एविडेंस मिलता है। सबसे पहले आपको पता चलता है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बाय जा रही है। सेकेंड एविडेंस यू विल गेट फ्रॉम द ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी इज द लेवल, ठीक है, कि मार्केट ने जब भी किसी लेवल को ब्रेक किया उस लेवल को रीटेस्ट करती है। एक ये लेवल है, लेट सपोज, ठीक है, उसके बाद मार्केट का एक ये लेवल है, ठीक हो गया, और उसके बाद मार्केट का एक ये लेवल है, एग्जांपल देने लगा हूँ, ठीक है। मार्केट, अब आपको मैंने समझाया था कि मार्केट में ब्रेकआउट की पहचान क्या होती है, हर चीज़ स्टडी की है आप लोगों ने, उसके बाद मार्केट जब रीटेस्ट करती है इस लेवल पे, सो दिस इज़ द एग्जैक्टली मीन दैट ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, द वर्ड गोज टू कम्प्लीशन, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, नाम से ही वाज़े आ रहा है, ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट स्ट्रेटजी,
ठीक है, कि मार्केट इस तरीके से उस चीज़ को फॉलो करती है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं ब्रेकआउट एंड आपको पता हो कि आप लोग ये स्ट्रेटजी को स्टडी कर रहे हो। अब आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ये पता चल गया कि ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट स्ट्रेटजी आप लोग देख रहे हो। अब मैं इसमें बेनिफिशियल क्या है, आपके पास कौन कौन से एविडेंस होते हैं, एक चीज़ याद रखना, ठीक है, मार्केट जब भी किसी भी लेवल को मतलब ब्रेक करती है तो उसको रिटेस्ट लाजमी करती है। दूसरा, मार्केट जब एक स्ट्रक्चर में होती है, एक स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग में होती है, हायर हाईज एंड हायर लोज बनाती हो जाती है, तो मार्केट पता क्या करती है, मार्केट का जो नेक्स्ट हायर हाई होता है ना, वो प्रीवियस हायर हाई से ऊपर होता है। ठीक है, ये जिंदगी में बात याद रखना। ठीक है, अगर मार्केट का नेक्स्ट जो हायर हाई है अगर वो इससे ऊंचा नहीं बनता, लाइक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मार्केट ने ये यहाँ से दोबारा इस लेवल तक आई है, ठीक है, और अगर मार्केट ने नेक्स्ट हायर हाई ऊंचा नहीं बनाया, वो उस काबिल नहीं रही, तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेगी। ठीक है, इस तरीके से ये बात याद रखिएगा कि अगर मार्केट नेक्स्ट अपना हायर हायर नहीं बना पाती, ठीक है, तो ये एक एविडेंस होता है कि मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर रही है, मार्केट अपना ट्रेंड खत्म कर रही है। वरना जो नेक्स्ट हायर हाई होता है बाय ट्रेंड के अंदर, वो हमेशा प्रीवियस हायर हाई से ऊपर होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जब आप ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट को फॉलो कर रहे होते हो, तो सबसे बड़ा एविडेंस आप लोगों के पास क्या है कि भाई एक आपके पास ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पॉइंट, और रीटेस्ट मार्केट किस पॉइंट को करती है, द क्वेश्चन इज दैट रीटेस्ट मार्केट प्रीवियस हायर हाई तक लाजमी करती है। ये बात याद रखिएगा, चाहे आप इसको H1 पे इंप्लीमेंट करो, चाहे H4 पे इंप्लीमेंट करो, चाहे M1 पे इंप्लीमेंट कर लो या M15 पे, वट एवर द टाइम फ्रेम, बट द स्ट्रेटजी ऑन द ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट मार्केट विल बी गोज टू रीटेस्ट टूवर्ड्स द प्रीवियस हायर हाई इफ द मार्केट इज द बाय ट्रेंड। मार्केट जिस मर्जी टाइम फ्रेम में हो, ठीक है, अगर मार्केट रीटेस्ट कर रही है, ठीक है, मतलब अपना हायर लो बना रही है, तो कहाँ तक बनाएगी मार्केट अपना हायर लो, प्रीवियस हायर हाई तक। ठीक है, दो तीन एविडेंस हो गए। नेक्स्ट, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है या एक बाय ट्रेंड में, अगर लेट सपोज के वो ट्रेंड लाइन भी नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि ट्रेंड लाइन भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब मार्केट रीटेस्ट करेगी तो बाय जाने के लिए आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न एविडेंस मजीद दे देगी, तो आपको पता चला कि ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जो कि हमें क्या क्या एविडेंस देती है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का एविडेंस, ठीक है, प्लस आपको एक रीटेस्ट कहाँ तक मिला, प्रीवियस हायर हाई तक, ये वाला एविडेंस, देन आपको कौन सा एविडेंस मिला कि भाई आपके पास ट्रेंड लाइन है, अगर वो है तो प्लस पॉइंट है, वो वाला एविडेंस, देन आपको जब रीटेस्ट किया मार्केट ने तो कैंडलस्टिक पैटर्न वाला एविडेंस, इतने ज़्यादा एविडेंस आपको मिल रहे हैं फॉर योर बाय एंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर। देन हम आ जाते हैं सेल की तरफ, कि मार्केट जब सेल जाती है तो वो कभी भी स्ट्रेट नहीं जाती, मार्केट जब भी सेल जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि मार्केट जब सेल जाती है तो वो लोअर लो एंड लोअर हाई बनाती हुई स्ट्रक्चर में जाती है, इस तरीके से। ठीक है, मार्केट इस तरीके से जो है वो सेल जाती है, ये चीज़ आप लोगों को मैंने बतानी थी थोड़ी सी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद सेम एज इट इज़ अगर हम फर्दर चीज़ों को देखें, ठीक है, इस तरीके से, तो ये मार्केट का सेल का स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट इसको किस तरीके से फॉलो कर रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने इसको आज ये भी देख लिया, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग भी, और इस लेक्चर के पार्ट में हमने ये भी देख लिया कि ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी को हम किस तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक वो भी एक्सप्लेनेशन होगी। अब इसमें एक प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए, वो प्लस पॉइंट क्या है भाई, आप लोग देखो, सबसे पहले तो मार्केट सीधे तरीके से सेल नहीं आती, वो इस तरीके से सेल आती है। ठीक है, मतलब लोअर लोअर एंड लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाकर, तो बेस्ट वन थिंग इज दैट भाई कि अगर मार्केट इस तरीके से सेल आ रही है तो एविडेंस कौन कौन से हैं, आप लोग ये देखो कि मार्केट का एक ये लेवल है, ठीक है, उसके बाद मार्केट का एक ये लेवल है, उसके बाद मार्केट का एक ये लेवल है, तो मार्केट में आपको ब्रेकआउट की तो पहचान है जो कि मैंने आपको बताई हुई है, बट द एविडेंस इज दैट कि भाई मार्केट अगर किसी लेवल को इस तरीके से ब्रेक कर रही है तो ऑब्वियसली वो उसको रीटेस्ट भी करेगी। सम क्वेश्चंस इज देयर ऑफ द स्टूडेंट्स कि भाई अगर सर जी रीटेस्ट ना करे तो, अगर रीटेस्ट नहीं करती तो आप एंट्री ना लें, ज़रूरी तो नहीं कि आप गलत एंट्री लेने से बेहतर आप एंट्री छोड़ दें, क्योंकि गलत एंट्री से बेहतर है आप लोगों का कैपिटल सिक्योर करना, आपके पैसे सिक्योर हों। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को जजमेंट होगी कि भाई
आप लोगों की जो एंट्री है वो इस तरीके से। अब आपके पास एविडेंस कौन कौन से है जब आप ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट को सेल में फॉलो कर रहे हो? ट्रेंड लाइन वन ऑफ द बेस्ट आपका एविडेंस, देन सेकंड आपका कौन सा हुआ, विद द हेल्प ऑफ जो आपकी मार्केट रीटेस्ट कर रही है, प्रीवियस लोअर हाई तक मार्केट रीटेस्ट करती है। देखो लोअर लो बना, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, तो लोअर आपका जो बनेगा नेक्स्ट मार्केट जो रीटेस्ट करेगी प्रीवियस लोअर लो तक रीटेस्ट करेगी। ये देखो प्रीवियस लोअर लो तक रीटेस्ट किया, देन ब्रेकआउट किया, प्रीवियस लोअर लो तक रीटेस्ट किया, तो इस तरीके से मार्केट जो है वो सेल ट्रेंड में नीचे आती है। तो रीटेस्ट पॉइंट इज द वन ऑफ द बेस्ट कन्फर्मेशन, कैंडलस्टिक पैटर्न इज द वन ऑफ द बेस्ट कन्फर्मेशन, एंड द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज दैट द मार्केट विल गोज टू रीटेस्ट अप टू द प्रीवियस लोअर लो। ठीक है, इस तरीके से मार्केट की स्ट्रक्चर होती है। अब आते हैं हम एक साइडवेज ट्रेंड में कि भाई मार्केट में जब एक साइडवेज ट्रेंड होता है तब क्या मार्केट करती है। लाइक आप देखो कि इस तरीके से ट्रेंड है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं साइडवेज की, ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से हो गया। अब ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि मार्केट भाई सीधे तरीके से नहीं चल रही, देन नो इशू। मार्केट अगर इसको टच करके बॉम का पेयर है, ठीक है, इसको नीचे आ गया इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट कर दिया, द बेस्ट वन स्ट्रेटजी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट इज आल्सो हेल्पफुल इन भाई आल्सो साइडवेज ट्रेंड। अगर यहाँ पे भी रीटेस्ट कर दिया तो नेक्स्ट तो हमें पता ना किसने ब्रेकआउट करना ही करना है, बेशक वो साइडवेज ट्रेंड में, नेक्स्ट मार्केट रीटेस्ट कर चुकी है ना ब्रेकआउट करके, नेक्स्ट हमें एंट्री बाय की मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। और अगर मार्केट इस तरीके से मतलब सेल आ रही है, सेकंड सिनेरियो, ठीक है, अगर मार्केट सेल आ रही है, समझो क्रैश का ट्रेंड है, इस तरीके से मार्केट पहले इस साइडवेज में, ठीक है ना, इस तरीके से मार्केट जो है वो एक प्रॉपर साइडवेज ट्रेंड को फॉलो कर रही है, वो एक बाय ट्रेंड को, सॉरी, या एक एग्जैक्टली सेल ट्रेंड को नहीं फॉलो कर रही, तो हमें कोई इसमें इशू ही नहीं है, ना करे मार्केट फॉलो, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने भाई वेट करना है ब्रेकआउट होगा, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ साथ ही मार्केट ने कर लिया रीटेस्ट, विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट एंड आल्सो द कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन वी आल्सो गेट द स्पाइक्स, ठीक है, इजीली विद द बाय ट्रेंड इन द सेल ट्रेंड इन द साइडवेज ट्रेंड आल्सो। ठीक है, जैसे ये देखो ये आपके पास सेल ट्रेंड है ना, ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो एक एंट्री आपको मिली थी इस लेवल पे, ठीक है, ये एक एंट्री मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। H1 पे चलते हैं, ठीक है, H1 पे सिंपल एक एग्जांपल है, मज़े की एंट्री ये वाली, सिंपल एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट स्ट्रेटजी। ये देख लो यहाँ पे मार्केट ऊपर से सेल आ रही थी ना, ऊपर से उसने साइडवेज को पहले फॉलो किया हुआ था, मार्केट डायरेक्टली सेल नहीं थी आ रही, देख लो ऊपर से साइडवेज थी, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद आपको सेल की एंट्री दे दी, तो दैट इज़ वाई बेसिकली हाउ वी कैन ट्रेड इन द साइडवेज ट्रेंड इवन मार्केट, ठीक है, कि विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी। कहीं भी आप लोग देख लो, ठीक है, कहीं भी मार्केट में आप चले जाओ, किसी भी लेवल पे, जैसे आप लोग ये लेवल देख लो, ठीक है, मार्केट में ऊपर साइडवेज ट्रेंड था लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, रीटेस्ट हुआ, देन सेल की एंट्री मिल गई, ठीक है, लेकिन ट्रेंड भी आप लोगों ने मस्ट देखना है, बूम के बाय ट्रेंड में पंगा नहीं लेना उससे इतना ज़्यादा, ये चीज़ याद रखना। इसी तरह आप बूम का सॉरी क्रैश के सेल ट्रेंड में काम करना है, बूम के बाय में, यहाँ पे बूम पे चलते हैं, ये देखो ज़रा ये बूम का, अब बूम 500 है तो इसको हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अब आप लोग ये देखो कि एग्जांपल लेते हैं हम जी बूम के, ये देखो, ठीक है, ये अब यहाँ पे जो एक एग्जांपल है, बूम पहले जो है वो एक साइडवेज ट्रेंड में था नीचे, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे नीचे साइडवेज था एग्जैक्टली, वो इस चीज़ को बार बार फॉलोअप दे रहा था, ठीक है, एग्जैक्टली वो एक सही ट्रेंड में नहीं था आ रहा, ठीक है ना, ये चीज़। अब आप लोग देखो मार्केट यहाँ पे आई, फिर टच के नीचे आ गई, फिर बट जब ब्रेकआउट हुआ देन रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट इज द वन ऑफ द बेस्ट कन्फर्मेशन, आइदर द मार्केट इज इन द बाय ट्रेंड, आइदर द मार्केट इज इन द सेल ट्रेंड, आइदर मार्केट इज इन द साइडवेज ट्रेंड, यू जस्ट गेट द पॉइंट, ठीक है। और आप लोगों को अगर बाय ट्रेंड मिल गया तो भाई सबसे बेस्ट है, इज ऑल्सो द ट्रेंड लाइन कन्फर्मेशन, ठीक है, ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो द कन्फर्मेशन, ठीक है ना। और उसके बाद अगर मार्केट सेल ट्रेंड में है, लाइक आप लोग देखो कि सेल ट्रेंड में तो हम बूम को नहीं टच करेंगे क्योंकि हमारे लिए ज़रा बेनिफिशियल नहीं है वो, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे एक सेल ट्रेंड है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो हमने फिबोनाची यूज़ करनी है, जो मैंने पहले आपको पार्ट में बता चुका हूँ कि भाई फिबोनाची यूज़ कर लें अगर मार्केट सेल ट्रेंड में, ठीक है, तो कोई इशू भी नहीं, सेल ट्रेंड में भी हम उसको कैच कर सकते हैं। हम उसका पॉइंट देखेंगे कि मार्केट ने लोअर हाई बनाया, सॉरी लोअर लो बना लिया ये, ठीक है, मार्केट ने लोअर लो बनाया, इसको थोड़ा सा सेट कर लो यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने जो है ना भाई लोअर लो बनाया, लोअर हाई तो बनाने जाएगी ना, अगर सेल ट्रेंड में भी आप बूम में स्पाइक्स करना चाह रहे हो तो भाई प्रॉपर तरीके से करो फिर भी, ठीक है, इस तरीके से फिबोनाची यूज़ कर लो जो कि आप लोगों को पढ़ाई हुई है मैंने, ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो वो मुझसे लेक्चर कर ले सकता है फिबोनाची का। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखी कि भाई अगर मार्केट में बाय ट्रेंड है, ठीक है, अगर मार्केट में बाय ट्रेंड है या सेल ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है, ट्रेंड कोई भी हो डजेंट मैटर, द मैटर जो चीज़ करती है वो क्या है, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। अब जैसे ये देखो बूम 1000 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि बाय ट्रेंड था, ठीक है, एग्जांपल ले लो आप सिंपल, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लो ये ब्रेकआउट है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट स्ट्रेटजी सिंपल एक स्ट्रेटजी है जो कि बहुत हेल्पफुल है। चेक करो यहाँ पे मार्केट में बाय ट्रेंड था एक, तो दूसरे नंबर पे आप इसकी एक्यूरेसी ज़रा देखें, सारी चीज़ें छोड़ के एक्यूरेसी कैसे वो दे रहा है, ये चीज़ देखें यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को जब ब्रेक किया उसके बाद रीटेस्ट करने आई, रीटेस्ट कन्फर्मेशन होती है कि भाई आपके पास नेक्स्ट मार्केट अगर बाय है तो अपना हायर हाई बनाएगी, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करती है, देन अपना प्रॉपर एक बाय एंट्री देती है, ठीक है, इसी तरीके से सेल में मतलब जो क्रैश का पेयर है वो करता है, ठीक है, कि आपको ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि मैं कभी भी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं देता होता, लेकिन फॉर द दिस वन जो हम चूज यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख लें आप, ये देख लें आप, ज़्यादा दूर नहीं जाना लेकिन लेवल एग्जैक्ट ढूंढना, ये ना हो कि आप लोग लेवल गलत ढूंढ रहे हो और आप लोग बोल रहे हैं कि ब्रेकआउट, अब ये देखें ये एक एग्जैक्ट लेवल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको अच्छी एंट्री मिली है विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, ये एक अच्छा लेवल है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोग देखें, ठीक है, कि मार्केट ने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट मार्केट करेगी 100% करती है, रीटेस्ट पे इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कन्फर्मेशन के जब आपको एक अच्छी एंट्री मिलती है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि यार आपका जो है वो सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए ट्रेडिंग में एक टाइम जो है ना वो कोई बाय कर रहा होता है, वन साइडेड कोई ट्रेडिंग में बाय कर रहा है, सेकेंड साइड पे कोई सेल भी कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई एक दफ़ा कोई बाय कर रहा है एक दफ़ा सेल, दुनिया में बहुत से ट्रेड्स हैं, लेकिन आपने अपने पैसे को सिक्योर रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, क्योंकि देखें आपके पैसों की वैल्यू का सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता, ठीक है, तो जो चीज़ ये है कि आपने अपने पैसे रखे हैं आपके पास हैं, $100 है, $50 है, जितने भी हैं वट एवर द डॉलर अमाउंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार आपके पैसे हैं, आपको सिर्फ उनकी कदर है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आप लोगों ने अपना मनी मैनेजमेंट प्लान फॉलो करना है, और जितना कुछ आप लोगों को बूम एंड क्रैश में सीखने को मिला विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी सीखने को मिली है, तो आपको ये साबित होता है कि भाई हमें जो हमारे लिए सबसे सक्सेसफुल चीज़ है वो क्या है, सबसे सक्सेसफुल है हमारा वेट करना, वी हैव टू वेट फॉर द राइट एंट्री, अगर हम लोगों में वेट नहीं है, हम लोगों में सब्र नहीं है, अगर हम लोग सब्र नहीं कर सकते, ठीक है, एक राइट एंट्री के लिए, तो हम फिर ट्रेडिंग छोड़ दें, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है ना भाई तो ट्रेडिंग छोड़ दो, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है, और आप लोग वेट कर सकते हो एक अच्छी एंट्री का, एक राइट एंट्री का, देन आप लोग भाई देखो आप लोगों को तब एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट का वेट करो, क्योंकि रीटेस्ट के वेट पे फिर मार्केट आपकी बात सुनेगी, ठीक है, मार्केट अपनी ही नहीं चलाएगी, मार्केट आपकी बात सुनेगी, जो एविडेंस आप लोगों ने मतलब देखा है, जो एविडेंस आप लोगों ने मतलब जिसके ऊपर एंट्री लिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप लोग काम करो। लेकिन एक चीज़ याद रखें ज़िंदगी में कि आप लोगों ना कभी भी चार पांच रास्तों पे नहीं चल सकते, सिर्फ एक रास्ते पे चल सकते हो और वो रास्ता आप लोगों ने चूज़ करना होता है, ठीक है, वो रास्ता कैसे चूज़ करना आप लोगों ने कि भाई आप लोग ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, आप लोग डाइवर्जेंस पे काम कर रहे हो, आप लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप लोग ब्रेकआउट एंड स्ट्रक्चर एंड चार्ट पे काम कर रहे हो, आप लोग ट्रेंड कंटिन्यूशंस पे काम कर रहे हो, आप लोग ट्रेंड रिवर्सल्स पे काम कर रहे हो, आप कैंडलस्टिक पैटर्न एविडेंसेस पे काम कर रहे हो, आप लोग प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो, स्ट्रेटजी हमेशा एक चूज़ करो, स्ट्रेटजीज अगर डिफरेंट रखोगे इस तरीके से आपको आपका माइंड कंपल्सरी हो जाएगा, इस तरीके से कंपल्स हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा, आप लोग एक राइट ट्रेड नहीं कर सकोगे, ठीक
ठीक है। राइट ट्रेड किस तरीके से करते हैं, रूल्स क्या, सक्सेसफुल माइंडसेट बिजनेसमैन के, कि भाई सबसे पहली चीज़ ये कि आप लोगों ने क्या करना है, कि आप लोगों ने वेट करना है फॉर द राइट एंट्री। वेट किया, अच्छी एंट्री का वेट किया, उसके बाद आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग देखो कि हमने किस तरीके से काम करना है, एक स्ट्रेटजी पकड़ो, ठीक है, उसके ऊपर प्लान फॉलो करो, ठीक है। प्लान आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था, उसके ऊपर काम करना आप लोगों ने, ठीक है। एंड सबसे लास्ट थिंग इज ये कि भाई आप लोग जब आपका प्रॉफिट बुक हो जाए, मार्केट से निकल जाओ, मार्केट की तरफ देखो भी नहीं, मोबाइल बंद, मार्केट से आउट। क्योंकि जब आप मार्केट में दोबारा आओगे, आप लोगों का माइंड दोबारा खराब होगा, आप लोग लॉस कर लोगे, ठीक है। तो जब आप एक बिजनेस कर रहे हो तो उसको बिजनेस समझ के करो, ठीक है। आप लोग उसके ऊपर काम करो, ठीक है, उसके ऊपर आप लोग एक प्रॉपर तरीके से करो, ठीक है। डेट इज़ द मोमेंट क्रैश कोर्स, और इन शाला तरह नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज के साथ हम ऐसा ऐसा आप लोगों से इंटरेक्ट होते रहेंगे, ठीक है। और भी कोई मोमेंट क्रैश के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी होगी तो इन शाला तरह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।